खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पीड़ित ब्रजेश साहूलाल गांव के ब्रजेश गौतम की दुकान लेकर कई वर्षों से मोबाइल की दुकान संचालित कर रहा है। पीड़ित ब्रजेश साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 21/11/2022 को उसकी दुकान में रात्रि में चोरी हो गई थी, जिसमें 35 नग टच स्क्रीन मोबाइल कीमत लगभग 2.5 लाख, काउंटर में रखे नगद 80,000 रुपए एवं 25 कीपैड मोबाइल कीमत लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए, जिसकी रिपोर्ट ब्रजेश साहू के द्वारा लालगांव चौकी में की गई थी। लेकिन आरोपियों की पहचान होने के बाद भी लालगांव चौकी पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिससे पीड़ित ब्रजेश साहू ने रीवा के SP ऑफिस में पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित ब्रजेश साहू ने बताया कि गढ़ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन गढ़ थाने से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित के साथ शिवसेना के पदाधिकारी भी पहुंचे। शिवसेना के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है तो शिवसेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए पीड़ित ने रीवा SP ऑफिस पहुँच कर मीडिया से क्या बताया। जी, मेरा कंप्लेन यहाँ देने आए हैं। मेरी लाल गांव में शॉप है मोबाइल की, वहाँ चोरी हो गई थी, तो 21/11/2022 की रात में, तो 22 तारीख को FIR लाल गांव चौकी में करवाए अज्ञात लोगों के नाम से, शटर तोड़ कर ले गए थे। इसके बाद बोला गया कि ठीक है, तुम पता करते रहना, जैसा हो बताना। 25 तारीख को हमको पता चला कुछ लोगों के द्वारा कि केवटा गांव में मोबाइल कुछ बेचे गए हैं, वहां मैं गया और देखा, IMEI मिलान किया, वो मिलान हुई, वहां हमने पूछा कि आप लोग किससे मोबाइल ख़रीदे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपिन शुक्ला उर्फ करण शुक्ला के द्वारा मैंने ख़रीदा है। वहाँ लगभग 5-6 मोबाइल बेचे गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि ये लाल गांव का है, लाल गांव सिसवा का निवासी है, इसके द्वारा हमने लिया। फिर उसी 25 तारीख को मैंने लाल गांव चौकी में बताया जाके SI साहब को, उन्होंने लिख लिए हैं और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। चौकी प्रभारी, क्या नाम है? चौकी प्रभारी जिनको मैं दिया था SI साहब को, वो हैं रंजीत सिंह। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई बोले कि कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ की कमी है। ये कब की घटना हुई थी लगभग? ये 21/11/2022 की रात में चोरी हुई है। और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई? अभी नहीं हुई। एक दिन मैं TI साहब के पास गया था, TI साहब बोले कि ठीक है, चलता हूँ लाल गांव गढ़। फिर वो आए, उस दिन कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे दिन TI साहब और SI साहब, मैं और 2-3 सिपाही थे, वो केवटा गांव में गए, वहाँ पर पूछताछ हुई, मगर वो नाम वाम लिखे उनका और फिर चले आए। TI साहब चले गए गढ़, हम लोग लाल गांव चले आए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, मेरा मोबाइल मिले। कितने मोबाइल गए हैं आपके पास? 25-35 टच मोबाइल थे और 25 लगभग बटन वाले थे। कितने नुकसान हुआ होगा? लगभग 3 लाख के पार है और 8,000 नगद भी था। नाम बताइए अपना। ब्रजेश साहू। आरोपी कौन है? आरोपी विपिन शुक्ला उर्फ करण।